फर्स्ट ऑफ ऑल सबको कॉन्ग्रेस करना चाहूंगी, 100 एपिसोड कंप्लीट हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी मुक्ता आर्ट्स के जो टेलीविजन शो है जो डीवी नेशनल पर चल रहा है, आज उसका 100 एपिसोड कंप्लीट हुआ है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी पूरी यूनिट को, अपनी टीम को, ये मेरे जितने स्टार्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन सबको, कि इन सब की वजह से इन्होंने इतना अच्छा काम किया है फिल्म का शो में, और इतना टेक्नीशियंस ने अपनी मेहनत की है। आज शो हमारा पॉपुलर है, उसकी टीआरपी भी अच्छी आ रही है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और ये इवेंट भी कर रहे हैं। तो आप जानते होंगे हमारा अपना दत्कार जी हैं, सॉरी नाम सुप्रिया जी हैं, इनका असल नाम बताओ। देखिए सबसे बड़ी बात जो अजीब बात है फिल्मों में और टेलीविज़न में, कि टेलीविज़न में लोग कैरेक्टर के नाम से सबको जानते हैं और फिल्मों में हमेशा हमारे पर्सनल नाम से जानते हैं। तो मुझे बड़े मुश्किल हो जाता है कि मेरे को कैरेक्टर के नाम से बुलाऊँ या इनके नाम से बुलाऊँ। मैं चाहूँगा कि ये खुद ही कहें अपने बारे में और अपने दो दो लाइन बताएं अपना एक्सपीरियंस कि उनको कैसे अच्छा लगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हूँ इनकी जो उत्साह देख के, इनकी कला, इनकी प्रतिभा देख के और इनकी लगन देख के। क्योंकि कोई भी शो या फिल्म जो है तब तक अच्छा नहीं बन सकता जबकि सब सामूहिक रूप से आके इसमें पैशन से काम करें। तो मैं चाहूँगा कि आप एक एक का पहन कर लीजिए कैमरा ले लीजिए। इन्होंने अमृता जी हैं, अमृता का रोल किया है। आप अपना पहले नाम भी खुद असली नाम बताइए, फिर कैरेक्टर का नाम बताइए, फिर फिल्म में क्या रोल है, तो कैसा लगा? चार चार बात नंबर वन आइए। नमस्ते, मेरा नाम है सुप्रिया तटकर और जानकी में मैं अमृता प्रसाद का कैरेक्टर निभा रही हूँ। अमृता प्रसाद जोशी प्रसाद की वाइफ है, सेकंड वाइफ, और बहुत ही ग्लैमरस एंड बहुत ही रिचनेस है कैरेक्टर में, शो ऑफ विद कैरेक्टर, जैसे आज के पेज 3 एलिट वोमिन जैसी होती है मुंबई की, तो वो कैरेक्टर भी प्ले कर रही हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है कैरेक्टर प्ले कर। मैं रियल लाइफ में वैसी हूँ नहीं, लेकिन टोटली अपोजिट है द कैरेक्टर, लेकिन बहुत अच्छा है। द सेट इज़ अमेजिंग, द लोग जो है डायरेक्टर्स एवरीबडी, द डीओपी, द कोएक्टर्स, ऑल आर फैबुलस, और एक कंप्लीट मुझे ना एक कंप्लीट डिफरेंट ओपिनियनेटेड लेडी है ये दैन द अदर लेडी हु इज़ अपोजिट मी, हु इज़ माई, हु इज़ प्रियंका दीदीमा। तो उनके और मेरी काफ़ी सारी टशनबाजी और राइवलरी दिखाई है, जैसे एक एक पुराने विचारों की औरत और एक नए ज़माने की औरत, तो वो डिफरेंस आपको देखने मिलेगा मेरे कैरेक्टर में वर्सेस द अदर प्रियंका। और आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं देख सकता हूँ जो मैंने अभी देखा है, और पब्लिक के भी जो व्यूज़ हैं अच्छे आ रहे हैं। ये मुकेश जी के बारे में जो उन्होंने सत्यन का रोल किया, मुकेश जी आप बताइए। नमस्ते, मेरा नाम मुकेश त्रिपाठी और जो मैं पात्र कर रहा हूँ उसका नाम है सत्यन ब्रह्मिदा होता है। ये जानकी का फॉस्टर फादर है जो कि उसका पालन पोषण करता है, और जो ये फैमिली है वो रूढ़ संस्कार से भरी हुई है। रूढ़वादी भी कर सकते हो, क्योंकि रूढ़वादी यदि मैं हूँ तो मेरी पत्नी है वो थोड़ा मॉडर्न है, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत दिखाया गया है। मैं कहीं थोड़ा सा पतंग को ढील देता हूँ तो ये खींचती है, ये कहीं खींचती है तो मैं पतंग को ढील देता हूँ। और जो बातें बहुत खूबसूरत लिखा गया है, जब लिखा जाएगा तो हम उन्हें भी अच्छा कर पाएंगे, खूबसूरत लिखा गया है। और मैं अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ वो सुभाष जी ने ये नंबर दे दिए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और ऑडियंस को पसंद आ रहा है, तो उससे हमारा उत्साह और बढ़ जाता है अच्छा करने की कोशिश। एक होता है कि किसी ने कहा कि आप अच्छा करो, अच्छा कर रहे हैं यानी कि आप हमारी मेहनत और डबल हो गई है, अब हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। तो जानकी की जो जर्नी है उसमें उसके पापा यानी कि मैं और उसकी माँ जो कि मधु का करेक्टर प्ले कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, अच्छे बुरे की समझ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जानकी भी यानी कि मॉडर्न युग में उसने जन्म लिया है लेकिन माँ बाप का कहना मानती है, और क्योंकि संस्कार ही चल गया है, दादू दोस्त उसके खास दिखाए हैं, तो दादू लक्ष्मण उसका जानकी का पापा, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। आपने काम भी बहुत नेचुरल किया है, मैं ये कह सकता हूँ वंडरफुल एक्टर, गॉड ब्लेस यू, आप बहुत तरक्की पाएंगे जो भी मैं आशा कर सकता हूँ।
विश्वास कर सका। मैं आपके सामने हमारे हैं जगी मेहता, ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और अच्छे इंसान हैं। मैं चाहूँगा कि ये खुद की तारीफ खुद ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। खुद की तारीफ खुद करना वैसे अच्छा तो नहीं लगता, बस सर करते हैं तो अच्छा लगता है। सो मेरा नाम लकी मेहता है और मैं इस शो में मधु का किरदार प्ले कर रही हूँ। मधु बहुत ही वर्सेटाइल कैरेक्टर है, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं जो कि हार्ड वर्किंग है, अपनी फैमिली के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, सबके लिए रिस्पेक्ट है, अपनी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड है, वो ज़रा भी उसको तकलीफ में नहीं देख सकती। अपने हस्बैंड के लिए भी उसका एक अलग रुझान है, बहुत ज़्यादा इमोशनली बॉन्ड, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं हर अच्छे बुरे सिचुएशन में। तो ये कैरेक्टर एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही हिंदू सभ्यता से रिलेटेड है, और जो कि एक रियल वुमेन पावर जो बताई गई है वही है। घर में रहकर घर का काम करना, अपने परिवार को संभालना एक सबसे बड़ी पावर होती है। बाहर जाके नारी काम करती है, दैट इज़ बिगेस्ट थिंग, लेकिन घर में रहकर घर का भी काम करना, बाहर का भी काम संभालना, अपने परिवार को जोड़ के रखना, एक इमोशनल बॉन्ड बना के रखना। सो मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर धीरे धीरे बहुत ही पावरफुल होते गए, एंड आई एम enjoying every moment of this character, as it was the biggest challenge for me to play the mother of Janki, but it's okay. I am feeling a kind of bond with each and every actor, so I'm definitely enjoying this. बहुत खूबसूरत लिखा गया है और सर ने बहुत ही अच्छा concept सर का, so of course this is one of my favorite show. Thank you very much. हमारे अगस्त जी हैं, एक होता है नायक एक होता है खलनायक, तो हमारे पूरे शो के अंदर एक खलनायक ये है, लेकिन खलनायक की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। He has to be a better actor, better performer. सब लोग अच्छा कर रहे हैं, तो वो डबल आगे उसे जो उठा कर को पूरे तरीके से एक जाएगा ये दीजिए बस। थैंक यू। मैं चाहूँगा अगस्त जी जिन्होंने देवनारी का रोल किया है। नमस्कार, मैं अगस्त आनंद, और जैसा सर ने बताया कि मैं खलनायक का किरदार निभा रहा हूँ, वो देवनारी का। अब देवनारी वो कैरेक्टर है जो शुरू से ही कुछ ना कुछ तूफान लाते रहते हैं इस पूरे शो में। जानकी है क्योंकि देवनारी है, या हम उसको उल्टा भी कह सकते हैं कि देवनारी बिल्कुल, तो शुरू से ही उथल पुथला के मचा था पूरे जानकी शो में, वो देवनारी का काम। जहाँ भी थोड़ी सी क्या बोलते हैं शिथिलता आती है शो में, देवनारी आता है, कुछ तूफान मचा देता है। अब बहुत ही कमाल का शो है, और मेरा जो कैरेक्टर है, मुझे तकिया कलाम भी दिया गया है कि समय ही समर्थ है बाकी सब व्यर्थ है। तो ये मैं लगभग हर एपिसोड के लिए बोलता हूँ जहाँ भी मैं आता हूँ। और मुझे शुरू में बताया गया था कि मतलब ये कैरेक्टर जो है अपने आप को भगवान की तरह समझता है, तो वो शुरू से ही मैं ऐसा इम्बाइब कर लिया, मैंने आत्मसात कर लिया है कि मैं भगवान हूँ, मैं देवनारी हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वही चल रहा है अभी तक कि मैं अपनी मर्जी से सारी चीज़ें हिलाते रहता हूँ, चाहे वो प्रसाद परिवार हो, चाहे वो जानकी का जीवन हो, उथल पुथल मचाना है, यही मेरा काम है पूरे शो में। और अभी तो हाल फिलहाल में मुझे कुछ लोगों को मारना कूटना भी पड़ा, मतलब ऐसे ऐसे सीन्स आए कि मारना है एकदम। अच्छे अच्छे काम किए जी, मतलब आपकी कृपा से। वैसे असली जीवन में वैसा नहीं हूँ मैं, असली जीवन में बहुत शरीफ है, बहुत नटखट भी है, बहुत भोले भी है, जो वहाँ नजर आते हैं वैसे नहीं। अब मैं चाहूँगा कि आपको जो जानकी का रोल कर रही है, हमारी जानकी की कहानी जो है एक बच्ची की है, एक बेटी की है, जिसको बहुत सी चुनौतियाँ मिलती हैं जीवन में, जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक। बच्ची जो है हमारी एक साल की भी है जानकी, फिर चार साल की है, फिर आठ साल की है, और फिर उसके बाद 21-22 साल की है जब वो दुनिया को रियल प्रैक्टिकल फेस करती है, सोशल इश्यूज के साथ, फैमिली इश्यूज के साथ, धार्मिक इश्यूज के साथ, सब पॉलिटिकल इश्यूज के साथ, और उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता है। और वो बताती है कि बेटी होना बेटों से भी बढ़ता है, और वो रोल कर रही है इस वक्त जानकी का हमारी इशिता देशमुख जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे गर्व है इनके ऊपर, एक तो इन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, सबको बहुत पसंद आ रहा है, सबके फीडबैक बहुत अच्छी है,
खुशी और ये है कि ये हमारे पिछली कुछ की स्टूडेंट रही है एक्टिंग स्टूडियो। एक्टिंग स्टूडियो में इन्होंने 2 साल का कोर्स किया है और एक्टिंग और टैलेंट और लगन और डेडिकेशन बहुत ही है इनमें, इतनी है कि कभी कभी ये हमको भी भूल जाती है कि दुनिया में कौन लोग रहते हैं, साथियों को भूल जाती है। उनके काम में इतना लगन है जो एक अच्छी बात है उनके लिए। और इन्होंने जानकी का रोल बहुत बखूबी निभाया है और मैं इनकी तारीफ करना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि ये विश्व की स्टूडेंट है या हमारे हीरोइन है, इसलिए कि इन्होंने जानकी शो को 4 चांद लगा दिए हैं। अब आपके सामने आएंगे इशिता देशमुख। थैंक यू सो मच सर, वेरी काइंड ऑफ यू। नमस्ते, मेरा नाम इशिता देशमुख है और मैं जानकी ब्रह्मदत्त का किरदार। जैसे सर ने बोला कि जानकी एक लड़की की कहानी है जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, तो जितना मैंने इस कैरेक्टर से रिलेट किया और जो मेरी समझ है जानकी को लेकर, जानकी एक विचार है, एक नज़रिया है। तो जब आप ज़िंदगी के दोहराए या चौराहे पर खड़े होते हैं, जब आप कन्फ्यूजन में होते हैं कि कौन सा रास्ता ले कौन सा रास्ता ना ले, जानकी वो सोच है, जानकी वो आवाज़ है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जानकी एक बहुत बोल्ड स्ट्रॉन्ग लड़की है जो अपने ओपिनियंस को वॉइस देती है और सिर्फ खुद के लिए खड़ी नहीं होती, वो आसपास अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए खड़ी होती। तो वो एक वो स्ट्रॉन्ग पिलर है जो हम सबको हमारी ज़िंदगी में चाहिए होते हैं। और जैसे देवनारी जी ने कहा कि जैसे देवनारी जी के बिना जानकी अधूरी है, वैसे ही जानकी के बिना, तो जानकी चाहिए कि समाज में जो जो ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ पे बदलाव, जहाँ पे सुधार की बहुत उस आवाज़ को देखकर बाकी लोगों को हिम्मत मिलती है और वो सब खड़े होते हैं। तो जानकी वैसा कैरेक्टर। और मेरा ये पहला टेलीविजन शो है और मुझे तो बहुत मज़े आ रहे हैं। मेरा क्रू और कास्ट सब लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा पहला दिन, मुझे पहला दिन नहीं लगा क्योंकि सब लोग इतने वार्म और इतने वेलकमिंग थे। और हाँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सर। थैंक यू जानकी, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बातें करके। अब मैं चाहूँगा समय की कमी होने के कारण आप जरा सुभाष सर आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह आपकी फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं। फिल्में हिट रही हैं, अगर मैं जानकी शो की बात करूं तो इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, इसके स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, एक पिछड़े विचार को इस टाइम पे प्रेजेंट करना जो कहीं ना कहीं आज भी लोगों के घरों में बट वो प्रेजेंट नहीं करते। तो नेशनल टेलीविज़न, मेरा क्वेश्चन है कि नेशनल टेलीविज़न पे चूज़ करना कि आपका शो वहाँ पर टेलीकास्ट हो, आपने आपके माइंड में ये नहीं आया कि जो इस समय पॉपुलर टेलीविज़न है जैसे कलर, स्टार प्लस एंड ऑल, उस पे आपके शो टेलीकास्ट हो तो ज़्यादा TRP या ज़्यादा लो मात्रा में देख सकते थे शो? अगर आपने मेरे जीवन के बारे में जाना है और मेरे जीवन के कार्य के बारे में जाना है, फिल्मों के बारे में जाना है, तो आपने एक बात ज़रूर जानी होगी कि मैं कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर स्टूडियोज़ के हिसाब से काम नहीं किया। मैंने हमेशा काम किया एक आधार पर, कहानी कैसी है, कहानी में हम कहना क्या चाहते हैं, हम समाज में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कालीचरण से लेके कर से लेके राम लखन, कर्मा, प्रदेश, ताल, सब फिल्मों में हमने देखा होगा। क्योंकि मैं फिल्मों को प्रोजेक्ट नहीं समझता, कोई भी शो हो या प्रोजेक्ट हो उसमें व्हाट आई एम गोइंग टू से, मैं क्या कंट्रीब्यूट अपने समाज के लिए कर सकता हूँ, सारे पिक्चर में हमने देखा होगा ऐसा है। तो कभी भी क्या होता है कि कुछ चीज़ें बेचने के लिए हमको खुद की कौशल बेचनी पड़ती है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फिल्म मेकर को वो कहना चाहिए कि ताकि वो समाज में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। तो जो जानकी सब्जेक्ट है वो मुझे ऐसे लगा कि एक लड़की को बेटी होने के नाते कितनी चुनौती होती है। हम अपने घर में भी बेटी को बेटा बोलते हैं, क्यों? बेटी का दर्जा है, आज बेटी क्या से क्या नहीं कर सकती, आज उसको अपनी स्वतंत्रता में छोड़ दीजिए, बेटी इज़ अ मदर, फाइनली वो आप ही की माँ बनती है। तो आप उसके साथ ऐसे ट्रीट या उसको ऐसे सेकेंड क्लास सिटीजन नहीं समझ सकते। बेटी को चुनौती मिलती है कि वो बेटों से बढ़कर होके दिखाती है। कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने शो किया। दूरदर्शन में अच्छी बात यह है कि वो मैसेज की फिल्में बनाते हैं कि ताकि आप कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें। उनको खाली पैसा कमाना नहीं है, उनको कुछ दर्शाना भी है, इसलिए आप दूरदर्शन के प्रोग्राम आज भी 30-35 करोड़ लोग देखते हैं भारत में। तो ये हम दोनों का जब मेल हुआ, आपने
मेरा और दूरदर्शन का, मैंने उनको ये कहानी बताई, उनको बहुत अच्छी लगी और फिर हमने ये प्रोग्राम बनाया। ये 208 एपिसोड में है अभी, आज जो देखेंगे आप वो 100 शो तक है। आप समझिए कि जानकी का अभी इंटरवल हुआ है, और इंटरवल के बाद फिर शुरू होगा, दूसरे अध्याय में आएगा। बट आई एम हैप्पी दैट वी आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू सोसाइटी। जानकी का कैरेक्टर भी ऐसा है जो कि हर सोशल इशू को उठाती है और उसको समझाती है, उसको सुलझाती है। ये जानकी का कैरेक्टर से इसलिए मुझे ये शो जो है बहुत अच्छा फिर भी लगता है, और मैं समझता हूँ कि सामने अच्छा काम किया है, वो तो आपके सामने आएगा। थैंक यू सर। अभी मैं चाहूँगा कि आप चलिए, मैं मुख्य मैं चाहूँगा कि मुख्य मैं तो पहले कह चुका हूँ कि जानकी की कहानी एक बेटी की है। ये कहानी वो है जिसमें कि बेटी का जब जन्म होता है तो कुछ ऐसे हादसे होते हैं कि माँ बाप को यकीन हो जाता है कि बेटी जो है हमारे लिए आशीर्वाद नहीं, कहीं ना कहीं शामिल नहीं है, और उस बेटी को एक पिता जो है भगवान के हवाले कर देता है, एक मंदिर में छोड़ाता है। उस मंदिर में पड़ी हुई बेटी को एक दूसरे सज्जन उसको घर ले जाते हैं और उसको बड़ा करते हैं और पालते हैं। ये इसकी कहानी है, और इस कहानी में सब अपने अपने कैरेक्टर के बारे में बताया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें पिता का जो रोल किया है, जो कि उनका नाम अश्विन प्रसाद है उसमें, और वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये हमारे फिल्म के एक प्रोटैगनिस्ट हैं, जानकी और जानकी के पिता की कहानी है। तो पिता का रोल जो है इन्होंने किया है, और जो उनकी बुआ है, जो उनकी घर की बड़ी दीदी है, वो कोनिका दीदी है, वो इन्होंने किया है। मैं चाहूँगा कि ये अपने बारे में खुद ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है। अपना नाम बताइए। थैंक यू सुभाष जी, एंड नमस्कार सभी को। और आज के इस शुभ दिन पर, आज जानकी धारावाहिक हमारा 100 एपिसोड्स कंप्लीट कर रहा है, अश्विनी प्रसाद की भूमिका मैं निभा रहा हूँ। मेरा नाम है राजीव भारद्वाज, और एक पंक्ति में यदि मैं बयान कर सकूँ तो ये रिश्तों की आपाधापी उलझने तो हज़ारों उलझने राहों में, पर कोशिशें बेहिसाब, हज़ारों उलझने राहों में पर कोशिशें, कोशिशें क्या, उन रिश्तों को पिरो के रखने की कोशिशें बेहिसाब। ये है हमारा सीरियल जानकी, चलते रहे जनाब। तो मैं वो बायोलॉजिकल फादर हूँ जानकी का, एंड जैसे वो इमोशंस का तूफान है, उतार चढ़ाव आए हैं, इसमें वो सभी इमोशन हैं जो आज हमारे हिंदुस्तानी घर में वो व्यक्ति महसूस करता है या करती है जो रिश्तों को पिरो के रखना चाहते हैं। कमाल की कहानी और बहुत मज़ा। मैं रुक करूँगा इनकी तरफ से, कोनिका जी की तरफ से, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं तो कहूँगा अश्विनी जी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, और कोनिका जी ने तो पिक्चर शो को ही रंग डाल दिया है। मैं जानता हूँ जिन्होंने जो जान के देखते हैं वो तो दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, शायद मुझसे भी ज़्यादा जानते होंगे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ बाबू, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है जानकी करने में। जानकी बहुत ही खूबसूरत एक पटकथा है जिसमें एक नारी के संघर्ष के बारे में बताया गया है, उसके उतार चढ़ाव के बारे में बताया गया है। और इस बहुत खूबसूरत सी कहानी में मैं एक एंटागनिस्ट हूँ, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम समस्याएं आती रहती हैं, तो वो प्रॉब्लम वो समस्या मैं। सो कोनिका प्रसाद एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है, एंड थैंक यू सो मच आपने मुझे चुना इस कैरेक्टर के लिए। एंड आई थिंक एंड आई विश कि मैं जिस तरीके से करती आ रही हूँ, जैसा कि सर ने मुझे बताया अभी, कहा कि बहुत अच्छा हमने प्ले किया है, आगे भी मैं ऐसे ही करती रहूँ। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। सो दिस कोनिका प्रसाद इज अ टिपिकल फीमेल, इंडियन फीमेल, जो कि जैसे अभी राजीव कह रहे थे कि सूत्रों को पिरो के रखने की कहानी। शी इज़ वेरी पजेसिव, हर माँ की तरह वो बहुत पजेसिव है, हर बेटी की तरह वो बहुत पजेसिव है। उसे घर चाहिए, उसे अपना परिवार चाहिए, रिश्तों के बिखरने में वो बिलीव नहीं रखती है। वो चाहती है मेरा भाई भी मेरे साथ रहे, मेरी भाभी भी मेरे साथ रहे, उनके बच्चे भी हमारे साथ हों, और संस्कारी बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने, लेकिन संस्कार रूटेड रहे, हमेशा रूट से जुड़े रहे। और इस हद तक पजेसिव है, या फिर जुझारू कहते हैं उसको, अपने फैमिली को लेकर। आई प्रीटी श्योर आप भी एक फीमेल है, आप भी एक फीमेल है, व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली यू कैन डू एनीथिंग फॉर इट। सो दैट इज कोनिका प्रसाद। अगर मेरी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आई जस्ट मेक श्योर बाय हुक और बाय क्रूक इसको कैसे दूर करना है। लेकिन एक अलग इसका फेस भी है, बहुत, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मॉरल
मॉरल दे रहे हैं, हम शिक्षाएं दे रहे हैं समाज में, तो जानकी में पुनिका प्रसाद एक ये शिक्षा देती है कि बहुत सारे लोग ऑर्थोडॉक्स भी हैं, बहुत सारी फीमेल स्पेशली बाबा के चक्कर में पड़ जाती हैं, घर में पता ही नहीं चलता कि क्या उल्टा सीधा खुद ही करे जा रही है, अपने पैर को कुल्हाड़ी मार देती है। तो पुनिका प्रसाद के कैरेक्टर को देख के आप सीख भी लेंगे कि आप मूंद के किसी पर विश्वास नहीं करना है। सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, डिजिटल सब कुछ आपके सामने है, इतनी बाबाओं की कहानी आती है, सो यू जस्ट हैव टू यू नो कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन कि भाई दिस इज रॉन्ग। तो पुनिका प्रसाद एक ऐसी बाबा के चक्कर में है जो है देवनारी, उनके रहते वो अपनी जिंदगी में जैसा इंसान करता है जहर कैसे घोल लेता है वो कर रही है, आपको शिक्षा ये देनी है कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस कैरेक्टर को बनाया गया है, आप ये नहीं कह सकते कि ये टोटली एंटागनिस्ट है, आप ये नहीं कह सकते कि ये टोटली पॉजिटिव है, शी इज द अमैलगमेशन ऑफ बोथ द कलर्स। सो आई एम वेरी लकी कि आज हम 100 एपिसोड्स तक पहुंच गए हैं। जानकी की पूरी टीम को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, सर को हार्दिक शुभकामनाएं, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। लास्टली जानना चाहेंगे सर, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 22 फरवरी, तो क्या जनवरी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नो राम निमंत्रण मिला है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे बुलाया जाए, क्योंकि राम मंदिर का बनना खाली राम मंदिर का बनना नहीं है, ये भारत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, एक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, आइडेंटिटी ऑफ भारत। हम बाहर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे भारत आइए, तो बोले क्या होगा देखने के लिए, हम क्या बताएं क्या देखने के लिए, हम बोले कि हज़ारों मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, तो हज़ार जगह तो नहीं जा सकते, कई जगह जाएंगे जो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन भारत का एक प्रतीक हम बोलते हैं आइए अयोध्या में आइए और राम मंदिर देखिए जो हमारे इस सरकार ने इन लोगों ने बनाया है। तो ये जो प्रतीक है बना, ये नेशनल एंटिटी है, इसको हम पॉलिटिकल ना लें, इसको अपने हम आस्था से जोड़ें, अपने विश्वास अपनी श्रद्धा से जोड़ें, तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कदम है जो हमारी सरकार ने लिया है और बाकी लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और हर जो इंडियन है, जो भारतीय है, उसका दिल गदगद है इस बात से, इसी कि एक ऐसा मंदिर बना है जिसमें हम जरूर जाएंगे। आज मैं समझता हूँ कि 140 करोड़ लोगों के दिलों में है कि एक दिन तो जाके देखना है ना, तो आप सोचिए एक ऐतिहासिक कदम है जिसके लिए हम सबको मुबारकबाद देनी चाहिए, आपको भी और बनाने वालों का भी और श्रद्धालु। होल्ड सर, होल्ड सब लोग यहाँ पे, थैंक यू स्मॉल ग्रुप जी जी आ लीजिए, हुआ ये आ जाइए, आप भी आइए थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।